हेलो क्लासेस, दिस इज योर इंग्लिश क्लासरूम सेंटेंस। जो सेंटेंसेस आप अपनी क्लासरूम में यूज करेंगे, ठीक है, फॉर द जूनियर एंड सीनियर क्लासेस। हर बच्चे को ये सेंटेंस लर्न होने चाहिए कि आपने कब कौन सी एक्टिविटी की है और आपने कौन से सेंटेंसेस कब यूज करने हैं। ओके क्लास, लाइक दिस इज योर हेडिंग, क्लासरूम सेंटेंसेस। ओके क्लास, नाउ अब आप सभी क्लास में आ गए हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं एंड योर टीचर इज ऑल्सो देयर। तो आप क्या करेंगे अब? यस, आप मैम को गुड मॉर्निंग करेंगे। देन हाउ, गुड मॉर्निंग मैम, सभी मेरे साथ बोलेंगे यस गुड मॉर्निंग मैम। ओके, यू हैव टू से लाइक दिस, अपनी मैम को गुड मॉर्निंग करना है। ओके क्लास, नाउ वॉट इज दिस, ये गेट पे खड़ा है, ओके, एंड उसको क्लास में जाना है, तो ये मैम से परमिशन लेके जाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे ये? मे आई कम इन मैम, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? ठीक है, आप भी जब अपनी मैम से परमिशन लेंगे अंदर क्लासरूम में एंटर करने के लिए, आप पूछेंगे मैम से मे आई कम इन मैम। ओके, अब यहाँ देखिए इसकी क्या हो गया है, पेंसिल की नोक जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, ठीक है, तो आप मैम से क्या परमिशन लेंगे? पेंसिल शॉप करने के लिए लेंगे ना परमिशन। देन आपने क्या बोलना है? मे आई शार्पन माई पेंसिल, आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे इन वर्ड्स को और आप इन सेंटेंसेस को लर्न भी करेंगे। ओके, नाउ मेरे साथ बोलिए सभी, मे आई शार्पन माई पेंसिल मैम। ओके, नाउ अब यहाँ क्या है, अब ये कह रहा है, अब ये क्लासरूम में आए हैं, अब ये डेस्क है इनके सामने, बैक साइड में चेयर है, तो ये मैम से बैठने के लिए क्या करेंगे? पहले परमिशन मांगेंगे ना, और परमिशन लेने के लिए ये क्या बोलेंगे मैम को? मैम मे आई सिट, कि क्या मैं बैठ सकता हूँ मैम? और दोबारा रिपीट करेंगे मेरे साथ, आप क्या बोलेंगे? मैम मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? ओके, तो आप भी ये सेंटेंस को अपने क्लासरूम में क्या करेंगे मैम के साथ? यूज करेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ भैया ने अपना वर्क पूरा कर लिया है, ठीक है, यानी भैया ने अपना वर्क कंप्लीट किया है, तो भैया ने हैंड रेज किया एंड इन्होंने बोला कि मैंने अपना वर्क पूरा कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे, आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया। ओके, एंड दिस वन इज, ये लंच है भैया की, बॉटल है एंड सैंडविच इज ऑल्सो देयर। तो आप मान लीजिए आप लंच का टाइम हो गया है, आप इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन में आप अपनी किसको बोलेंगे? या तो आपकी दीदी होंगी वहाँ पे, या आप अपनी टीचर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि मेरा लंच बॉक्स ओपन कर दीजिए प्लीज, है ना? तो आप क्या सेंटेंस यूज करेंगे? प्लीज ओपन माई लंच बॉक्स। रिपीट करेंगे सभी मेरे साथ, प्लीज ओपन माई लंच बॉक्स। ओके, कि दीदी या मैम मेरा लंच बॉक्स खोल दीजिए। ओके, एंड यहाँ क्या है, भैया अपना खाना खा रहे हैं, लंच भैया ने फिनिश कर दिया है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे बेटा? आई हैव फिनिश्ड माई लंच, कि मैंने अपना लंच फिनिश कर दिया है। आप भी अपनी क्लास में जब अपना लंच फिनिश करेंगे, देन यू विल हैव टू से, आप अपनी टीचर को क्या रिस्पॉन्स देंगे? कि आई हैव फिनिश्ड माई लंच। ओके क्लास, नाउ भैया को अपनी बॉटल से पानी पीना है, तो परमिशन लेंगे ना क्लास में, बिना परमिशन के तो पानी नहीं लेंगे। देन आपने क्या बोलना है अपनी मैम को? परमिशन कैसे लेंगे आप, क्या बोलेंगे परमिशन लेने के लिए? मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल, कि आपके पास जो बॉटल है आपने उससे पानी पीना है, आप मैम को ऐसे बोलेंगे। तो जल्दी से मेरे साथ रिपीट करेंगे, मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई बॉटल। ओके, नाउ अब आपको पानी पीने के लिए जाना है, बाय चांस आप अपनी बॉटल नहीं लेके आए हैं, देन आप अपनी टीचर से परमिशन लेके पानी पीने के लिए जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कि क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ? दोबारा रिपीट करेंगे मेरे साथ, मे
आई गो टू ड्रिंक वॉटर कि क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ. ओके नाउ अब यहाँ देखिए, भैया को वॉशरूम जाना है, टॉयलेट के लिए जाना है, तो भैया परमिशन लेके जाएंगे ना टीचर से, तो भैया ऐसे में क्या बोलेंगे, मे आई गो टू टॉयलेट कि क्या मैं टॉयलेट के लिए जा सकता हूँ. रिपीट करेंगे मेरे साथ, मे आई गो टू टॉयलेट मैम. ठीक है, वेल डन, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्राई किया है. आई होप आप अपनी क्लासरूम में और घर पे भी आप इन सेंटेंसेस के यूज कर सकते हैं. बस आप मैम की जगह मम्मा या दीदी से परमिशन ले रहे हैं या भैया से परमिशन ले रहे हैं, आप इन सेंटेंसेस को वर्बली लर्न करेंगे. ठीक है बेटा, नाउ योर क्लास इज ओवर. ओके क्लास.